ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा लेंथी है, पर डिफिकल्ट नहीं है। ओके, सो पहले क्वेश्चन को रीड करता हूं, समझाता हूं, फिर एक क्वेश्चन थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए ज्यादा स्पेस चाहिए। तो ध्यान रहे, पहले क्वेश्चन लिख लो, रीड कर दे रहा हूं। सो गाइस, फिगर 12.3, फिगर 12.3 एक्चुअली टेक्स्ट बुक के रिस्पेक्ट में है, इसके लिए नंबर दिया हुआ है। फिगर 12.3 ये टेक्स्ट बुक के रिस्पेक्ट में कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है। 12.3 डेपिट्स एंड आर्करी टारगेट, ओके, तीर कमान का वो टारगेट होता है। अगर आप रिसेंटली ओलंपिक्स देख रहे होंगे तो उसमें ऐसा ही सेटअप रहता है। ओके, सो आर्करी यानी वो तीर कमान जो चलाते हैं, टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजंस फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज, यानी सेंटर से जब आप चेक करेंगे तो बाहर की तरफ जो जा रहा है वो कैसे फॉर्मेशन है, गोल्ड है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, ब्लैक है और वाइट है। ओके, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड इज 21 सेंटीमीटर। ओके, ये जो गोल्ड है हमारा, उसका जो डायमीटर है गाइस, इसका जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, और बाकी के जो बैंड्स हैं गाइस, ये जो हर एक बैंड है ना इसके बाद, वो 10.5 मीटर और चौड़े होते जा रहे हैं। 10.5, 10.5, 10.5, ओके, पता क्या करना है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजंस। वो बोल रहा है आपको पांचों स्कोरिंग रीजंस का एरिया पता करना है, गोल्ड का स्कोरिंग का, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का और वाइट का। ओके, क्वेश्चन समझ में आया, मिटा दू क्वेश्चन को। अब देखो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जो गोल्ड है आपका, जो गोल्ड एरिया है उसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर है। ओके, उसका डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ गोल्ड एरिया, ओके, उसका कितना दिया हुआ है गोल्ड एरिया टारगेट का, 21 सेंटीमीटर। ओके, सो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस उसको R1 कंसीडर करते हैं गाइस, पहला वाला सर्कल है तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका R1, 21/2 = 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। ओके, सॉरी, अब हमारे पास रेडियस आ गया है, इस गोल्ड वाले एरिया का, गोल्ड वाले टारगेट का एरिया निकाल लेते हैं। क्या टर्म है गाइस, टर्म क्या यूज किया लोग ने, स्कोरिंग रीजन है वो गाइस, सॉरी, जो हमारा ये गोल्ड स्कोरिंग रीजन है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो गोल्ड स्कोरिंग रीजन का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द गोल्ड स्कोरिंग रीजन, ये कितना होगा, एरिया कितना होगा गाइस उसका, पाई आर वन का स्क्वायर। ओके, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल का, लेकिन हमने इसको आर वन कंसिडर किया है तो पाई आर वन स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो गाइस, अब देखो पाई आर वन स्क्वायर को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 22/7 पाई की वैल्यू हो गई, आर वन की वैल्यू कितनी है, 10.5 × 10.5। ओके, सो जब हम इसको काटेंगे गाइस, देखो अभी सब इतना आना चाहिए, क्लास 10th का मैटर है। ओके, सो 7 × 7, 7 × 7.5। ओके गाइस, सो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 22 × 1.5 × 10.5, गाइस ये आप क्लास 10th का मैथमेटिक्स है, आपको इसको ढंग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लगूँ आपको दुनिया भर का खाली मल्टीप्लीकेशन करके दिखाने ना, तो बहुत लंबा हो जाएगा सोल्यूशन। ओके, सो गाइस, इसका मल्टीप्लीकेशन का जो आपका आंसर आने वाला है वो है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब आपको अच्छे से मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है, सब याद नहीं रहने वाला है, और हो सकता है नंबर चेंज हो जाए तो फिर ये आंसर वेरी कर जाए। ओके, सो जो आपका मेजर आइडिया है वो ये है कि आपको ये सब अच्छे से मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। सो गाइस, मेरे को गोल्ड वाले स्कोरिंग रीजन का एरिया मिल गया है, गोल्ड वाले स्कोरिंग रीजन का एरिया कितना है, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गाइस जरा रेड वाले को देखो, रेड वाले स्कोरिंग रीजन को पहले समझो अच्छे से, गहराई से इस बात को, कि मेरे को तो जो एरिया पता करना है गाइस अभी, वो सिर्फ देखो इतना है, यानी मैं इस पूरे का एरिया पहले पता करूंगा, उसमें से गोल्ड वाले का एरिया जब माइनस करूंगा तभी तो मेरे को ये वाला एरिया मिलेगा गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नहीं कि हम
रेडियस बढ़ा देंगे और उसके रिस्पेक्ट में एरिया निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि जो रेड वाला एरिया है वो अगर पता करना है तो मेरे को ये जो बड़ा वाला सर्कल हो रहा है उसका एरिया निकाल के गोल्ड वाले का एरिया उसमें से माइनस कर देना होगा। ओके गाइस, तो देखो अभी मैं इसको लिखने जा रहा हूं, अच्छे से सॉल्यूशन करता हूं। एरिया ऑफ द गोल्ड के बाद क्या है? रेड स्कोरिंग रीजन। ओके, रेड स्कोरिंग रीजन, वो क्या होगा? एरिया ऑफ द रेड स्कोरिंग रीजन क्या होगा गाइस? पाई आर आर टू लेंगे उसका रेडियस आर टू ले लेंगे, सो पाई आर टू का स्क्वायर माइनस पाई आर वन का स्क्वायर। सो गाइस, पाई आर वन के स्क्वायर का आंसर तो हमारे पास पूरा देखो इधर आया हुआ है। ओके, यहाँ पे आया हुआ है। सो इसके बदले तो हम यही वैल्यू रखेंगे। ओके, बट पाई आर टू स्क्वायर को हमको वैल्यू को लिखना सॉल्व करना पड़ेगा। सो गाइस, 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय, ओके, अब सेकंड वाले का रेडियस हो कितना जाएगा गाइस? सेकंड वाले का रेडियस कितना होगा? 10.5 फर्स्ट वाले का था, 10.5 फर्स्ट वाले का था। सो गाइस, चलो मैंने छोटी सी कमी रख दी है इस सॉल्यूशन में, उसको यहां पूरी कर दे रहा हूं। ये आपके फर्स्ट स्टेप होंगे। ओके, जो आर वन है तुम्हारा वो 10.5 सेंटीमीटर है। ओके, सो आर टू कितना हो जाएगा? आर टू हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ओके, आर टू मालूम पड़ गया, क्यों? क्योंकि उसने बोला था क्वेश्चन में ही कि जो गोल्ड के बाद आपका जो रेड है वहां से उसका विथ 10.5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली आर थ्री कितना होगा? आर थ्री विल बी 21 प्लस 10.5, दैट विल बी इक्वल टू 31.5 सेंटीमीटर। ओके, क्यों? फिर से देखो, ब्लू वाले केस में 10.5 बढ़ गया। और आर फोर कितना होगा? आर फोर होगा 31.5 प्लस 10.5 यानी 41 यानी 42 सेंटीमीटर। ओके, आपका जो ब्लैक वाले के लिए है। और फाइनली जो आर फाइव है गाइस, वो कितना होगा? 42 प्लस 10.5 दैट विल बी इक्वल टू 52.5 सेंटीमीटर। ओके गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था जो मैं अभी आंसर में बता रहा हूँ। वेरी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि मैंने उसको स्टार्टिंग में नहीं बताया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आर टू की वैल्यू आ गई है। हमारे आर टू की वैल्यू है 21, सो आर टू का स्क्वायर है यानी 21 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस 346.5, क्योंकि हमारे पास इसका ऑलरेडी एरिया है। देखो, मेरे को ये रेड वाले एरिया का रीजन पता करना है। ओके, इसका एरिया पता करना है तो मैं इस पूरे वाले सर्कल का निकालूंगा, उसमें से गोल्ड को माइनस कर दूंगा तो मेरे को ये एरिया मिल जाएगा जिसको टारगेट है रेड वाले का। ओके, सो गाइस अभी देखो, ये 7 1 7 7 3 20 1, अभी मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 7 1 7, तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 63 माइनस 346.5। ओके, 63 को देखो गाइस, मैं आपको ज्यादा मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करने वाला हूँ, आपको डायरेक्ट आंसर्स लिखवा दे रहा हूँ। थोड़ी जगह पे ऐसा कम करता हूँ मैं बहुत। ओके, 6 2 3 12, ओके, फिर 1 2 6 आएगा, 6 8 3 1, अब इसमें से हम माइनस करेंगे किसको? 346.5 को, तो यहाँ पे 0 0 है। ओके, सो ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो चुका था तो ये 9 हो जाएगा, 7 हो चुका था तो 3 हो जाएगा, 0 1। सो गाइज, हमारे पास एक दूसरे वाले जो रेड वाला एरिया था, एरिया ऑफ रेड स्कोरिंग जो रीजन है गाइस, देखो सब सिंप्लीफाई करने के बाद ये कितना आया था? 1386 माइनस 346.5, और जब मैंने इनको माइनस किया है तो कितना आ रहा है? 1039.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आपके रेड वाले का एरिया है। ऑलराइट गाइस, अब हम आते हैं एरिया ऑफ ब्लू स्कोरिंग रीजन पे, जो ब्लू वाला एरिया आप देख रहे हो वो। सो गाइस, ब्लू वाले का जो रेडियस है वो आर थ्री है, अगर मैं उसमें से रेड वाले का पूरा एरिया माइनस कर दूंगा, ओके, आर टू का स्क्वायर वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो मुझे ये ब्लू वाले का रीजन मिल जाएगा। ओके, सो गाइस, मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लिख दिया है, पाई आर थ्री का स्क्वायर माइनस पाई आर टू का स्क्वायर। गाइस देखो, अब यहां से ना कॉम्प्लेक्शन आपका बढ़ते जा रहा है। ओके, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, डेसिमल्स में नंबर है, उसके साथ साथ और भी तामझाम है एलजेब्रिक। सो गाइस, इसको मैं एकदम बेस्ट और इजीएस्ट मेथड में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो क्या होगा, अगर मैं इन दोनों में से पाई कॉमन ले लूंगा तो बचेगा आर थ्री का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर। ओके, इन दोनों में से अगर मैंने कॉमन ले लिया तो पाई को, ओके, सो पाई मेरा अभी भी कॉमन है, आर थ्री का स्क्वायर है ना, तो आर थ्री क्या है मेरा? 31.5 का स्क्वायर। ओके, 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, माइनस 21 का स्क्वायर। गाइस देखो, कुछ भी नहीं, देखने में डिफिकल्ट हुआ है, ठीक है, थोड़ा देखने में ऐसा लंबा चौड़ा हो गया है, बट उसको इजी करने के लिए मैंने ये मेथड प्रीफर किया है गाइस। सो यहां से फिर से देखो, पाई हमारा रहेगा, अब ये गाइस, ये हमारा एक
मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप मल्टीप्लाई करने जाओगे ना तो बहुत लंबा होने लग जाएगा और कंफ्यूजन भी ज्यादा हो जाएगा आपको। मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट था जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सो गाइज, हमारे पास एक आइडेंटिटी है, वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी का। ओके सो गाइज, मैंने अभी पाई का वैल्यू नहीं रखा 22/7, अभी इसको रखेंगे। फिलहाल ये यूज करते हैं फॉर्मूला 31.5 + 21, 31.5 - 21। ओके सो ये अभी भी पाई कंटिन्यूएशन में है, पाई है। अब ये देखो, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 52.5 और ये हो जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो 9.5। ओके, इसको अगर आप माइनस करोगे तो देखो 31 में से 21 माइनस करते थे तो 10 बचा था, तो 31.5 ऐसा, सॉरी गाइस, थोड़ा सा 10.5 बचेगा आपका आंसर। ओके, 31 में से माइनस किए थे 21 को तो 10 आया होता था, 31.5 है यानी 10.5 आएगा। ओके चलो, अब जरा पाई की वैल्यू को रखते हैं तो जरा इधर करते जा रहा हूं, कम से कम 3 का तो यहां हो जाए, बाकी 2 को हम फिर से मिटा के आगे आंसर को करेंगे। ओके सो गाइस देखो, अभी ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 52.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5। ओके सो गाइस देखो, 7 × 7 = 7.5। तो अब देखो, आपका सिंपल सिंपल सा एरिया ऑफ ब्लू स्कोरिंग रीजन का आपके पास एक सिस्टमेटिक आंसर आया है क्या, एरिया ऑफ ब्लू स्कोरिंग रीजन, ये होगा आपका 22 × 52.5 × 1.5। ओके सो गाइज, आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यही क्लास 10 तक का सबसे बड़ा चैलेंज होता है गाइज, कि आपको मल्टीप्लिकेशन करके आना पड़ेगा। सो गाइज, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका फाइनल आंसर आने वाला है इसके रिगार्डिंग, वो है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। गाइज, ये है आपका एरिया ऑफ वो ब्लू वाले रीजन का आंसर है, ये ब्लू वाले का, सॉरी गाइज। सो ये मल्टीप्लिकेशन अभी मैं करता था तो 2-4 मिनट ज्यादा था, बिना मतलब का वीडियो लेंथी हो जाता था, आपको पता होना चाहिए कि इनको मल्टीप्लाई करना है। सो आपका जो आंसर आने वाला था वो है 1732.5। सो गाइज, हमने ऑलरेडी तीन एरियाज निकाल लिए हैं, गोल्ड का, ओके ये गोल्ड का आया है आंसर, फिर रेड वाले स्कोरिंग एरिया का आंसर यहाँ आया हुआ है, और ब्लू वाले स्कोरिंग एरिया का रीजन का आंसर यहाँ आया हुआ है। अब रह गया क्या है, ब्लैक और व्हाइट वाला। ओके सो गाइज, अभी ये मेरे को मिटाना पड़ेगा ताकि मैं आगे का सोल्यूशन कर सकूं। सो आई होप सो आप लोगों ने यहाँ तक इसको फॉलो किया है, सारे आंसर्स को आगे सिस्टमेटिक लाए हुए हो, अगर नहीं लाए हुए तो प्लीज एक ढंग का स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। ऑलराइट गाइज, अब आते हैं एरिया ऑफ फोर्थ स्कोरिंग रीजन, जो है आपका ब्लैक। ओके ये वाला देखो, ये ओके थोड़ा सा डायग्राम को खराब कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके हमको क्या पता करना है। गाइज देखो, एरिया ऑफ ब्लैक स्कोरिंग रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक स्कोरिंग रीजन क्या होने वाला है गाइस? ओके क्या होने वाला है, पाई आर स्क्वायर, जो एरिया ऑफ ब्लैक का यानी पाई आर 4 का स्क्वायर माइनस पाई आर 3 का स्क्वायर। ओके गाइस, अगर मैं ये पूरा वाला जो सर्कल का एरिया आने वाला है ब्लैक के लिए, उसमें से इस ब्लू वाले पूरे एरिया को मैं माइनस कर दूंगा तो ये जो ब्लैक का स्कोरिंग रीजन है स्ट्रिप का, वो मेरे को मिल जाएगा। ओके सो गाइस, अब हम इसको एरिया ऑफ ब्लैक स्कोरिंग रीजन इज इक्वल टू इतना, अब हम इसमें फॉर्मूला सबमिट करेंगे। सो पाई आर 4 का स्क्वायर, आर 4 है हमारा 42, यानी पाई ओके 42 का स्क्वायर मल्टी माइनस, देखो गाइस एकदम वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो मैंने भी इसके पहले फॉलो किया था, क्योंकि वो सबसे बेस्ट है, उसमें कैलकुलेशन कम है और बेटर है वो। ओके और यहाँ पे होएगा आपका पाई आर 3 यानी 31.5 का स्क्वायर। ओके गाइस, आप देख रहे हो दोनों में पाई कॉमन है, ले लेंगे 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर, जो कि पाई दोनों में से कॉमन लिया था, तो मझला ब्रैकेट लगा लो या बड़ा ब्रैकेट लगा लो। ओके कुछ नहीं किया है, इन दोनों में से पाई कॉमन निकाला है, क्या बचेगा 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर। ओके गाइस, तो देखो फिर से ये हमारी एक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये उसकी तरह हो गई है, तो हम यहाँ पे वो आइडेंटिटी यूज करेंगे और अपना आंसर आगे निकालने में इसका फायदा उठाएंगे। सो गाइस, पाई 42 माइनस 31.5, 42
प्लस 31.5 का, इसका कभी प्लस आगे लिख दे रहा हूँ या माइनस आगे लिख दे रहा हूँ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो आइडेंटिटी आगे पीछे से कुछ लेना देना नहीं है उसका। सो गाइज मैं उसका एक रीज़न यहाँ पे जस्टिफाई कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है रीज़न जस्टिफाई करना क्लास 10 तक। सो गाइज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, ओके ये आइडेंटिटी है जिसका मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है ये वाले स्टेप में, तो ये वाला स्टेप मेरा आया है। अब गाइज यहाँ पे मैं इनको भी सिंप्लीफाई करते रहता हूँ और पाई की वैल्यू रख देता हूँ, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 42 में से 31.5 माइनस करेंगे गाइस तो 10.5 आएगा, मल्टीप्लाई बाय देखो 42 में 31.5 प्लस करना है तो 73.5, ओके गाइस ये आइडेंटिटी का यूज किया गया है, इससे कोई खास लेना देना नहीं है इसके अंदर, मतलब इस इक्वेशन के अंदर। अब गाइस देखो 71.5 आने वाला है, ओके सो गाइस फाइनली मैं क्या बोल सकता हूँ, जो एरिया ऑफ द ब्लैक स्कोरिंग रीजन जो आने वाला है वो क्या होगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 73.5, ओके और इसका जो फाइनल आंसर है गाइस वो अभी मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो टाइम्स आएगा, पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा गाइस, आपको अभी आप क्लास 10th में हो और आपको ये सब का पूरा ख्याल रखना है। सो गाइस अगर मैं इसका अभी फाइनल आंसर आपको डायरेक्ट बता दूँ ब्लैक वाले रीजन का, सो वो होने वाला है 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके गाइस देखो मैंने ये मल्टीप्लिकेशन नहीं किया क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो वीडियो मेरा 4-5 बार मल्टीप्लिकेशन करने में 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाता था वीडियो का, ओके जो मेरे को नहीं चाहिए था, आपको इम्पोर्टेंट है कि आप ये सब मल्टीप्लिकेशन करते चलते आना, ओके सो गाइस ये था हमारा ब्लैक वाले स्कोरिंग रीजन का, और अब हमारा लास्ट रह गया है, लास्ट वाला ये है व्हाइट, ओके सो गाइस व्हाइट वाले के लिए फिर देखो केस एकदम फॉलो करते जा रहे हैं, जैसे सेकंड वाला किया, थर्ड वाले का किया, फोर्थ का किया और फाइनली फिफ्थ वाले का करने जा रहे हैं। एरिया ऑफ व्हाइट स्कोरिंग रीजन इज इक्वल टू पाई आर फाइव का स्क्वायर माइनस पाई आर फोर का स्क्वायर, पूरे वाले सर्कल में से पूरा जो रेडियस आने वाला है उसके एरिया में से मैं अगर ब्लैक वाले एरिया को माइनस कर दूंगा तो ये जो व्हाइट वाली स्ट्रिप बची है स्कोरिंग रीजन उसका आंसर आ जाएगा। सो फाइनली हम इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो पाई आर फाइव की वैल्यू है 52.5 का स्क्वायर माइनस पाई आर फोर की वैल्यू कितनी है गाइस 42, तो 42 का स्क्वायर। गाइस देखो दोनों में से फिर से पाई कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन लेते ही हमारे पास बचेगा 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर और मतलब ब्रैकेट लगा देंगे फिर से गाइस। फिर से देखो हम वो आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं गाइस, हर बार मेंशन कर रहे जा रहा हूं क्योंकि आप अभी क्लास 10th में हो और क्लास 10th में ऐसे छोटी छोटी चीजों को बहुत मेंशन करना जरूरी होता है, फ्यूचर में आपके लिए आपको इतना मेंशनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी हर जगह। अब गाइस चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करते हैं, ये हो जाएगा 22/7 और ये हो जाएगा 52.5 माइनस 42 और 52.5 प्लस 42, ओके सो ये हो जाएगा गाइस 22/7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 10.5 आएगा, मल्टीप्लाई बाय इसको प्लस कर देंगे तो 94.5 आ रहा है गाइस, ओके 94.5 गाइस देखो फिर से 71.5 यानी एरिया ऑफ जो व्हाइट स्कोरिंग रीजन है वो कितना आने वाला है 22 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 94.5, ओके फिर से गाइस देखो मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम फिलहाल इतना मल्टीप्लाई करके उसको और लंबा नहीं कर देना है गाइस, ये आपका काम है 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके सो गाइस ये था आपका एरिया ऑफ व्हाइट स्कोरिंग रीजन का और ये था फोर्थ वाले ब्लैक स्कोरिंग रीजन का, और इसके मिटाने से पहले हमने तीनों को निकाल रखा था। सो गाइस काफी लंबा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था, लंबा था लेकिन डिफिकल्ट नहीं था गाइस, थोड़ा सा लेंथी था बस, ओके okay?